अकाल व जल किल्लत से निपटने के लिए जल संवर्धन व जल पुनर्भरण अभियान चलाना बहुत ही जरूरी हो गया है। इन दिनों अमरावती जिले सहित पूरे राज्य भर में भीषण जल संकट का सामना सभी को करना पड़ रहा है, इसलिए जल संवर्धन के लिए अलग अलग अभियान चलाए जा रहे हैं। शहर में भी पानी बचाओ का नारा बुलंद किया जा रहा है। शहर के निर्माण व्यवसायी, डॉक्टर्स व समाज सेवी संगठन रेन वाटर हार्वेस्टिंग व जल पुनर्भरण अभियान में जुट गए हैं। शहर भाजपा पदाधिकारी भी इस अभियान को युद्ध स्तर पर चलाने मैदान में उतर आए हैं। 11 मई की सुबह शहर के नया अमरावती रेलवे स्टेशन क्षेत्र में भाजपा पदाधिकारियों ने श्रमदान अभियान चलाकर सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक बारिश का बहता पानी बहकर जाने से रोकने के लिए 150 शेष गड्ढे खोदे। यह अभियान 2 दिनों का है, इसी तरह 12 मई को भी शेष गड्ढे खोदे जाएंगे। यह जानकारी पार्षद तुषार भारतीय की ओर से दी गई है। विहिरी अटकत आहे, बोरवेलचं पाणी खाली गेलं आहे, अमरावती शहरामध्ये अप्पर वर्धाचं पाणी मिळत आहे म्हणून आम्हाला जाणवत नाही, पण ज्यांच्याकडे विहीर आहे, बोर आहे, त्याला हे जाणवत आहे। आणि मग अमरावती शहरामध्ये आम्ही हा पहिला प्रयोग केला की श्रमदानातून आम्ही 6 फूट बाय 2.5 फूट बाय 2 फूट असे गड्ढे आम्ही या ठिकाणी खोदतोय। हजारो लोक आले आहेत, खूप चांगला रिस्पॉन्स आहे, जनतेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जागृती या ठिकाणी झाली आहे की आता एक नि थेंब पाणी आम्ही जमिनीच्या आत घातलं पाहिजे। यातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली, परमेश्वर कुठल्याही प्रकारचा अन्याय करत नाही आहे। आम्ही ते पाणी जमिनीच्या आत टाकण्यासंदर्भामध्ये कमी पडतो आहे, आज आम्ही त्याची सुरुवात केली आहे। आज 2 दिवस आम्ही इथे हा श्रमदानाचा कार्यक्रम करणार आहे। दुसऱ्या टप्प्यामध्ये साईनगर प्रभागातले जेवढे काही ओपन स्पेस आहेत त्या ठिकाणी आम्ही हे सगळं करणार आहोत। जनतेचा प्रतिसाद आहे, मी खऱ्या अर्थाने जनतेचा मनपूर्वक आभार मानतो की त्यांनी याची निकट समजली आणि काम सुरू केलं। सगळ्यांचे आभार, सगळ्यांचे धन्यवाद। 11 मई को पार्षद तुषार भारतीय के नेतृत्व में चेतन गावंडे, रेखा भुतड़ा, सुरेखा लुंगारे, सुनंदा खरल, डॉक्टर श्याम राठी, सीए राजेश चांडक, संजय अलकरी, लता देशमुख, अलका सप्रे, सविता भागवत, राधा कुरिल, नरेंद्र मानेकर, प्रफुल्ल गांधी, विवेक पांडे, मंदार नानोटी, श्याम जोशी, अनंत कुलकर्णी, गोविंद भुतड़ा, मधुसूदन दुचक्के, जयप्रकाश लहाने, गौतम देशपांडे, शैलेश बेहरे, ज्ञानेश्वर टाले, राजू महानकर, विसियन ग्रुप के अध्यक्ष प्रशांत शेगोकर, भारतीय युवा मोर्चा के सचिव बादल कुलकर्णी, प्रकाश झोपाटे सहित 500 से अधिक पदाधिकारी हाथों में घमेले फावड़े लेकर जल किल्लत से जूझने का नियोजन करने मैदान में उतर आए। 11 मई को श्रमदान के लिए नया अमरावती रेलवे स्टेशन परिसर का चयन कर इस क्षेत्र में 150 गड्ढे खोदे गए। इन गड्ढों में बारिश का पानी जमा होकर वह जमीन में रिस जाएगा, जिससे भूगर्भ जल स्तर बढ़ने में मदद होगी। सर्वत्र यह अभियान चलाना जरूरी है, जिसकी जागृति इस अभियान से शुरू की गई। बारिश का पानी बह जाने से रोककर इसे यदि वापस जमीन में छोड़ा जाए तो भूगर्भ जल स्तर बढ़ने में आसानी होगी तथा जल किल्लत की समस्या भी दूर हो जाएगी। इसलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग, शोष गड्ढे सलग समतल चर खोदे जाएं व पानी बचाओ के नारे को सार्थक बनाकर भविष्य में आने वाली जल किल्लत से लड़ने की तैयारी की जाए, यह अपील भी की जा रही है। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है, इसलिए पानी को बचाना आज बेहद जरूरी हो गया है, वरना कल यह भयावह त्रासदी सर चढ़कर बोलेगी। इसलिए बहता पानी रोककर उसे कुएं या शोष गड्ढे में छोड़ने की अपील जनहित में की जा रही है।